हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयजा क्रिएशन। और आज हम बनाने जा रहे हैं 2 से 3 साल की बच्ची के लिए नायरा कट कुर्ती, और उसी के साथ साथ हमने ये गरारा भी रेडी किया है। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्क वाला फैब्रिक है, ये हमने 1 मीटर लिया है। 2 से 3 साल की बच्ची के लिए 1 मीटर फैब्रिक सफिशियंट है। उसी के साथ साथ हमने ये लाइनिंग ली है साटिन की, वो भी हमने 1 मीटर ली है। और ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है ये गरारा बनाने के लिए, ये हमने 2 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी नायरा कुर्ती है उसका जो बॉटम है वो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा कटवर्क वाला इसका बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर हम नायरा कुर्ती के बॉटम में लगाएंगे। तो हमें इसकी जो लेंथ चाहिए बॉटम की, वो हम 12 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमें 12 इंच पर मार्क करना है इस तरह से, और इसका बॉटम हमें कट कर लेना है। आजकल इस तरह का जो फैब्रिक है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आप इसकी प्राइस जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताएं, मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगी। और ये जो ड्रेस है वो कितने में रेडी हुआ है ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर हमने इसका बॉटम कट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि फ्रंट और बैक के लिए यहाँ से हम इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट है। अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम ऊपर का टॉप का पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे 4 फोल्ड में बिछा दिया है, और जो हमें टॉप की लेंथ चाहिए वो हमें 10 इंच चाहिए। तो हम यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा टॉप का कपड़ा निकलने के बाद में भी फैब्रिक बचा है हमारा। तो 1 मीटर फैब्रिक 2 से 3 साल की बच्ची के लिए सफिशियंट होता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि मार्किंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर हम 5 इंच पर लेंगे और आर्म होल भी हम 5 इंच पर लेंगे, और इसी के साथ साथ हमें जो चेस्ट है वो 8 इंच लेना है, और वेस्ट यहाँ पे हमें 7 इंच लेना है। आप आपके बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करें, क्योंकि जो हेल्थ होती है बेबी की वो ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए मैं आपको फिर से बता दूँ कि आप आपके बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो डालें। इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक की जो विड्थ है वो हम 1.75 इंच लेंगे, और जो डेप्थ है नेक की वो हम 2.5 इंच लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों के लिए हम 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों के 2 पार्ट्स हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें ये लाइनिंग भी कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये लाइनिंग कट कर ली है। अभी हमें स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट पे हमें पूरे इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद में हमें चैन अटैच करना है। अगर आप सीखना चाहते हो कि नॉर्मल फुटर से किस तरह से चैन अटैच करते हैं, तो इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि नॉर्मल फुटर से हम चैन को किस तरह से अटैच करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने ये चैन अटैच कर ली है। कुछ इस तरह से हमने नॉर्मल फुटर से ही किया है ये चैन अटैच, हमने कोई सिंगल फुटर इसमें यूज़ नहीं किया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो गला है इस पर हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये हमारा जो साटिन वाला फैब्रिक है वो हमने लिया है, और इसे हमने क्रॉस में स्ट्रिप काटी है। आप जब भी पाइपिंग लगाएं आप क्रॉस पे ही स्ट्रिप कट करें। तो हमें पहले इस तरह से सिलाई लगानी है, और उसके बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगानी है। साथ ही साथ हम आर्म होल पर भी सेम इसी तरह से करेंगे। पहले एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये पाइपिंग लगा ली है, जो कि हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने ये जो बॉटम कट करके रखा था इसमें हम लाइनिंग ज्वाइन करेंगे। तो ये हम जॉर्जेट वाला जो पीस है हमारा, उसकी हम लाइनिंग यहाँ पे कट करेंगे। तो जो हमारा फैब्रिक है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे, क्योंकि हमें अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा फैब्रिक चाहिए है। तो यहाँ पर हमने ये लाइनिंग भी कट कर ली है।
अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे जॉइन करेंगे। तो हमें पहले इसे बराबर से सेट करना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। और इसका जो बॉटम वाला साइड है यहाँ पर हमें इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो मैं ये दोनों पार्ट आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये बॉटम भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसे अटैच करना है। अटैच करने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मार्क करेंगे। तो हमें ये दोनों पार्ट्स को बराबर से इस तरह से फोर पार्ट में बिछाना है। और हमें जिस तरफ से हमारी फिटिंग वाली साइड होती है ना, वहाँ से हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सा फैब्रिक फिटिंग में जाएगा और हमें थोड़ा सा छोड़कर यहाँ पे प्लेट्स डालनी होती है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा के ये कट लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये दोनों साइड में कट लगा लिए हैं। अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है इसे हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम सिंपल सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 2 से 3 प्लेट्स लेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा घेर वाला नहीं बनाना है, कम घेर वाला बनाना है। और इस तरह से हम जो दूसरा वाला निशान है वहाँ पर भी हम 2 से 3 प्लेट्स लेंगे और इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे और ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। सेम हमें इस साइड में भी करना है कि निशान तक सिलाई लगानी है और जो निशान है वहाँ पे हमें 2-3 प्लेट्स लेनी है और दूसरे निशान पर भी हमें 2-3 प्लेट्स लेनी है और फिर से हम यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देंगे। तो मैं ये आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हमने इसका बॉटम भी अटैच कर लिया है और जो ऊपर वाली साइड है हमारी वहाँ पर भी हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हमें क्या करना है कि फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट्स को हम इस तरह से बराबर से पकड़ेंगे और फिटिंग वाली सिलाई हमें बस यहाँ तक लगानी है, जहाँ तक हमारा टॉप वाला पार्ट है ना वहाँ तक ही हमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने ये फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है। अभी हमें इसके चाक बनाने हैं। तो ये जो पोर्शन हमने ओपन रखा है इस तरह से हम जिस तरह से हम नॉर्मली चाक बनाते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे चाक बनाने हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में हम सेम इसी तरह से करेंगे। तो ये रही हमारी नायरा कट कुर्ती बनके तैयार है, जो कितनी बनने के बाद सुंदर लग रही है और इसके बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप भी आपके बेबी के लिए इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गरारा रेडी करेंगे। तो गरारा हम ये जॉर्जेट के फैब्रिक का रेडी करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ये जो गरारे का ऊपर का पार्ट होता है, मतलब हम फिलहाल में उसे टॉप पार्ट बोलेंगे, तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 पार्ट में बिछा दिया है। तो जो हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है वो हमने 12 इंच ली है। मैं आपको फिर से बता दूँ कि आप आपके बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ लें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 इंच मार्क बेल्ट के लिए करेंगे। इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे नेफा बनाने के लिए। इसके बाद में हमें क्या करना है कि हिप के लिए मार्क करना है। तो हिप हम 9 इंच पे लेंगे। तो 9 इंच पे हमें इस तरह से एक निशान लगा देंगे। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि क्रॉच के लिए निशान लगाना है। तो क्रॉच हम यहाँ पर 8 इंच लेंगे। ज़्यादा लंबी क्रॉच नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर 8 इंच सफिशेंट होती है। उसके बाद में हम इस तरह से 1.5 इंच पे अंदर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पे आसन के लिए हम गोलाई दे देंगे। और जो हमारा बॉटम है वो हम 8 इंच का लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। तो ये दोनों भी पॉइंट हमने यहाँ पे जॉइन कर लिए हैं। अभी हम यहाँ पे कट कर लेंगे जो हमने मार्किंग की है उस पर। तो यहाँ पर हमारी कटिंग भी हो चुकी है। ये हमारे 2 पार्ट्स है। अभी हम क्या करेंगे कि सेम यहाँ पे ये जो साटिन वाला फैब्रिक है हमारा, इसकी हम लाइनिंग भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये लाइनिंग कट कर ली है और यहाँ पे पूरे इस पर हमने सिलाई लगाकर इसे अटैच भी कर लिया है। नॉर्मली जिस तरह से हम फैब्रिक को अटैच करते हैं उसी तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये गरारे के लिए हमने ये एक स्ट्रिप ली है इसका बॉटम रेडी करने के लिए, जिसकी लेंथ हमने 11 इंच ली है और इसकी जो विड्थ है वो हमने 56 इंच ली है। आप विड्थ ज़्यादा भी ले सकते हो, अगर आपको ज़्यादा प्लेट्स चाहिए तो आप विड्थ ज़्यादा ले सकते हो। तो इस तरह से हमने 2 स्ट्रिप ली है 2 पैर के लिए। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा बॉटम वाला साइड है यहाँ पर हम ये जॉर्जेट के
फैब्रिक को कुछ इस तरह से रखेंगे, उसके ऊपर दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और थोड़ा सा पोर्शन हम छोड़ देंगे। और उसके बाद से हम यहाँ पे प्लेट्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो पूरे में हमें प्लेट्स लेनी है, हमें एकदम छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है और साथ ही साथ हम इसका बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कितनी बारीक बारीक प्लेट्स लेकर यहाँ पे इसे अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट्स में हमने ये फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसमें हमें अस्तर भी अटैच करना है। तो यही हम साटिन वाला अस्तर लेंगे और इसी साइज़ का हम अस्तर भी कट कर लेंगे। तो जो अस्तर की लेंथ होती है हमारी, वो हमारी गरारे के बराबर होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिप के बराबर होनी चाहिए। और जो उसकी विड्थ होती है वो हम कम भी लिए तो चलेगा, क्योंकि हम ज़्यादा प्लेट्स के साथ इसे अटैच नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम प्लेट डालकर इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इसे कट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर हमने ये जो प्लेट्स डाली है सेम उसी के ऊपर हम इस तरह से ये फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे हम इतना पोर्शन पे सिलाई लगाएंगे मार्जिन के लिए। और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें पूरे में प्लेट्स ले लेनी है। तो दोनों साइड के मैं आपको ये रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये दोनों साइड के रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर हमारी ये जो लाइनिंग वाली है उसकी प्लेट्स आई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों के आसन ज्वाइन करेंगे। आसन ज्वाइन करने के लिए हमें दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ चाहिए और इस तरह से बराबर से पकड़ते हुए हम आसन पे सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हमें बराबर से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने आसन को अटैच कर लिया है। अभी हमें बीच से इसे इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है इसे भी हम यहाँ पे बराबर से पकड़ते हुए पूरे में फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि यहाँ पे नेफा भी फोल्ड करना है। तो थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इस तरह से जितना हमने 2 इंच मार्जिन छोड़ा था उतना हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हमने ये नेफा भी फोल्ड कर लिया है और ये जो फिटिंग वाली सिलाई है इसे भी हमने लगा ली है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 18 इंच ली है और ये जो इतना पोर्शन हमने ओपन रखा था इसमें हम इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। तो ये रहा हमारे गरारे का फाइनल लुक। आप देख ही सकते हो कि ये बनने के बाद में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी आपके बेबी के लिए एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। और इसी के साथ साथ ये हमारी नायरा कट कुर्ती है और यहाँ पर मैंने पीछे से ये डोरी भी लगा ली है फिटिंग के लिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की सिंपल वीडियो हम हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।